ऑल राइट, तो भाई इस वीडियो में आपको बताऊंगा फोन ट्रैकर एंड जीपीएस लोकेशन एप्लीकेशन के बारे में, ये क्या है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा इस एप्लीकेशन को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, भाई जानेंगे इसी वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आकर फोन ट्रैकर एंड जीपीएस लोकेशन सर्च कर लेना है। यहाँ पर मैंने पहले से ही सर्च कर रखा है और भाई इस एप्लीकेशन को भी मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। सबसे पहले जान लेते हैं इस एप्लीकेशन का क्या यूज़ है। दोस्तों, यदि आप किसी भी पर्सन की लोकेशन वगैरह ट्रैक करना चाहते हैं या फिर आप पता करना चाहते हैं वो बंदा भी कहाँ पर है, तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं इसका क्या यूज़ है। सबसे पहले यहाँ पर मैं ओपन वाले बटन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को भाई ओपन कर लेता हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ इस एप्लीकेशन का बिल्कुल भी मिसयूज़ ना कीजिए। तो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। तो भाई आपको यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर मैं इंडिया पर क्लिक करके ऊपर की साइड में टिक वाला बटन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। फिर आपको क्या करना है, स्लाइड करना है कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर आपको डन वाला बटन मिलेगा, भाई यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको डिवाइस की परमिशन मांगी जाएगी, तो भाई यहाँ पर आपको अलाउ कर देना होगा। फिर ऊपर की साइड में गो वाला बटन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। दोस्तों, सिंपल सा यहाँ पर इसका इंटरफेस आ जाता है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसे आपको यूज़ कैसे करना है। तो जिस भी पर्सन का आप मोबाइल ट्रैक करना चाहते हैं उसके मोबाइल में भी इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना होगा। फिर आपको क्या करना, उसके मोबाइल से यहाँ पर शेयर माई ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन लिखा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और हो सकता है एडवर्टाइजमेंट आए तो भाई यहाँ से आप कट कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड वगैरह देखने को मिल जाएगा, देन आपको यहाँ पर कॉपी करना होगा। और सबसे ऊपर की साइड में अलाउ वाला बटन है, आपको यहाँ पर इसे अलाउ कर देना होगा। फिर इसके बाद इतना काम आपका ख़त्म होने के बाद आपको अपने मोबाइल में फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, रियल टाइम पर, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा, ठीक है, ये प्रोफाइल वाला, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और दोस्तों, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलाउ टू ट्रैक लिखा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर की साइड में, भाई यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। देन यहाँ पर आपको कुछ जो मांगा जा रहा है आपको वो फिल करना है, जैसे कि उस बंदे का नाम क्या है, तो निकनेम आप यहाँ पर डाल दीजिए। और जो आपने कॉपी किया था कोड सिक्योरिटी वाला, यहाँ पर आपके आपको पेस्ट कर देना है, जी हाँ। और भाई यहाँ पर आके आपको इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट करना होगा। देन उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको टाइप करके ऊपर सेव वाले बटन मिल जाएगा आपको, डन वाला, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। और इतना करते ही आपको उसकी लोकेशन देखने को मिल जाएगी। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे फ़ोन ट्रैकर एंड जीपीएस लोकेशन एप्लीकेशन क्या है, विद लाइव प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया है। और अभी भी आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो भाई हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।